हैप्पी लोहड़ी फ्रेंड्स। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ये पंजाबियों के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पंजाब में ही नहीं, अब तो लोहड़ी की धूम देश विदेश में बसे पंजाबियों की वजह से हर जगह दिखाई देती है। आपको बता दें, इस बार लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी यानी कल मनाया जाएगा। माना जाता है इस दिन धरती सूर्य से अपने सुदूर बिंदु से फिर दोबारा सूर्य की ओर मुख करना प्रारंभ कर देती है। ये पर्व खुशहाली के आगमन का प्रतीक भी है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा होती है। नवविवाहित जोड़ों के लिए ये पर्व खास माना गया है, क्योंकि इस दिन ये लोग अग्नि में आहुति देकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा एक पर्व है। लोग अपने घर के बाहर लोहड़ी जलाते हैं और सब मिलकर इस पर्व का जश्न मनाते हैं। इस दिन आग के पास लड़के भांगड़ा और लड़कियां गिद्दा डालती हैं। इस तरह लोग नाच गाकर एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। समय के साथ साथ इस पर्व को मनाने के तरीके भी बदले हैं। पंजाब में आज भी ये पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, वहीं दिल्ली में इसने आधुनिक रूप ले लिया है। पंजाब में इस दिन सभी गली मोहल्लों में ये दृश्य आम होता है कि बहुएं लोक गीत गाते हुए घर घर जाती हैं और लोहड़ी मांगती हैं। महिलाएं जो दुल्ला भट्टी के लोक गीत गाती हैं, उसके पीछे मान्यता है कि महाराजा अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी एक लुटेरा था, लेकिन वो हिंदू लड़कियों को गुलाम के तौर पर बेचे जाने का विरोधी था। उन्हें बचाकर वो हिंदू लड़कों से शादी करा देता था, इसीलिए भी गीतों के माध्यम से उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिन जगह जगह युवक एकत्रित होकर ढोल की थाप पर भांगड़ा करते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां देते हैं। महिलाएं भी खेतों की हरियाली के बीच अपनी चुनरी लहराते हुए उमंगों को नई उड़ान देती हुई प्रतीत होती हैं। पंजाब में नई बहू और नवजात बच्चे के लिए तो लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इस दिन रेवड़ी और मूंगफली वितरित करके मक्के की रोटी और सरसों के साग का भोज आयोजित किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को कठोर दंड दिया था। जब दक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी, और जब देवी सती ने पार्वती रूप में अगला जन्म लिया तो उन्होंने देवी पार्वती को उनके ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर उपहार भेजकर अपनी भूल सुधारने का प्रयास किया। कहा जाता है तभी से लोहड़ी पर नवविवाहिता कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र और उपहार भेजे जाने की परंपरा प्रचलित हुई। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।